ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने ऑटो रिक्शा और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ऊर्जा मंत्री ने 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने RTO को सस्पेंड करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर दुख जताया है। बस और ऑटो रिक्शा में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में मरने वालों में ऑटो रिक्शा में सवार 12 महिलाएं और चालक शामिल हैं। इन महिलाओं को पोषण आहार ठेकेदार ने मंगल दिवस पर खाना बनाने के लिए बुलाया था। महिलाएं 2 ऑटो रिक्शा में वापस घर लौट रही थी, लेकिन एक ऑटो रास्ते में खराब हो गया और ये सभी एक रिक्शा में सवार हो गई। इसके बाद आगे चलकर वाहन एक बस से टकरा गया। हादसे के बाद कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। SP अमित संघी ने हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसा आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने हुआ। ऑटो रिक्शा ग्वालियर से जा रहा था और बस मुरार से आ रही थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने रास्ते पर चक्का जाम भी किया। हादसे के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि ग्वालियर में बस और ऑटो में टक्कर से हुए भीषण हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय काल कलवित होने से बहुत दुख पहुंचा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ हूं। वे स्वयं को अकेला ना समझें। प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। उधर परिजन आर्थिक सहायता की राशि से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि मुआवजा राशि 10-10 लाख की जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। सीधी हादसे के बाद परिवहन विभाग ने कुछ दिन ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर ली थी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी ठंडे बैठे हुए हैं। इस हादसे के बाद उनकी चेतना जागृत हुई और उन्होंने RTO को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। ग्वालियर में जो हादसा हुआ है बस का और ऑटो का, मैं सुबह से ही संपर्क में हूँ और जहाँ तक प्रथम जानकारी आई है कि एक दूध वाला की मोटरसाइकिल टक्कर भैंस को बचाते बचाते वो गिर गया। सामने से ऑटो, वहाँ से बस आ रही थी, इसी में बस के ड्राइवर ने उसको बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई है। जो प्राथमिक सुनने में आया, ऑटो में जाते समय 2 ऑटो गए थे, आते में एक ऑटो खराब हो गया तो महिलाएं एक ही ऑटो में बैठ गई। घटना बहुत ही दुखद है। जांच के आदेश दिए हैं और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर घटना में मौजूद हैं। हमारे साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री घटना में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है और जो भी संभव होगा सरकार पूरी तरीके से मृतकों के परिवारों के साथ है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ ना घटें इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। हम सब जो हमारे ऑटो में महिलाएं इस घटना में मृत हुई हैं उनके परिवारों के साथ हैं। घटना ग्वालियर में घटी है, हृदय विदारक घटना है। गरीब परिवार से आदमी पहला मिलने वाली सभी पीड़ितों के साथ सरकार है। 4 लाख रुपया की संभवतया घोषणा, मृतकों को 50,000 रुपये की घोषणा घायलों के लिए, बाकी घटना की जरूरत की और जाँच कराई क्या देने के कारण हुई या और कोई कारण हुई, उन सब विषयों पर भी जान है। उनको घायलों का उपचार प्राप्त। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि ग्वालियर में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में कई लोगों के दुखद निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़
ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।